खाए है फिर यहाँ पर तमाम समाजी और हमारे उलमाए कराम और ज़िम्मेदारान जो यहाँ पर जमा हुए थे, इस तरह की खबर हमें मौसूल हुई है, पहुँची है कि जो हमारे इन्होंने वीडियो में कुछ इस तरह इंटरव्यू दिया था कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के आने के बाद यहाँ पर चरस और गांजा आम तौर पर हर गली में बिक रहा है और इससे पहले सिर्फ दरगाह पे बिकता था। तो ये बहुत ही गैर मुनासिब और ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि दरगाह जो जगह होती है वो इबादत की जगह होती है, अल्लाह वालों की मज़ार है वहाँ पर। और मैं तो आपको आपके ज़रिए आपके माध्यम से बताऊं कि उन अल्लाह वालों के ज़रिए आज तक हमारे मुमरा कौसा में कभी फसाद तक नहीं हुआ, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर चरस और गांजा बिकेगा। क्या कहना चाहते हैं इसके मामले में? मैं इस मामले में यही कहूँगा कि भाई राजनीति को, पॉलिटिक्स को उसी लेवल तक रखें, इसको मज़हब के अंदर इसको आपस में ना मिलाएं। इंटरव्यू में नईम खान जी ने हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा सुल्तान मुमरा के बारे में, उस एरिया के बारे में गलत कहा और ये कहा कि वहाँ तो सालों से चरस और गांजा बिक रहा था। उससे हम सब जो उनके मानने वाले लोग मुमरा कौसा के नागरिक है, उनकी भावना को ठेस पहुँचा है और हमें काफ़ी हद तक दुख पहुँचा है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के बावजूद और ख़ास तौर से उसी जगह के ट्रस्टी होने के बावजूद, सालों से उस जगह के ट्रस्टी है और उस एरिया के बारे में बदनामी करना, शहर में हमारे नाम का, हमारे एरिया के नाम को ख़राब करना और ये कहना कि उस एरिया में सालों से चरस बिकता, गांजा बिकता था, तो इसी ने हमारे को दिल को दुख पहुँचा। सभी उलमाए किराम, सभी मुमरा कौसा के नागरिक, ज़्यादातर लोग मिलकर हमने एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जिसका हमारा भावना को दुख पहुँचा। यही बात हुई कि हमने बोला कि उन्होंने हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा के जो एरिया के बारे में जो दरगाह का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दरगाहों पे चरस गांजा बिकता था और बिकता है, तो पहले कम बिकता था, अब बहुत ज़्यादा बिकता है, तो आप वो ट्रस्टी होने के बावजूद आप क्या सो रहे थे? और आपने डिपार्टमेंट में मुमरा पुलिस स्टेशन में कितने लेटर दिया आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में और कमिश्नर को और एंटी जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें कितनी कंप्लेंट किया और आप खुद कितने बार डेलीगेशन लेके गए, तो आपको ट्रस्टी वहाँ पे क्यों बनाया गया? नहीं संभल रही तो आप रिज़ाइन दे दो। आपसे दरगाह ट्रस्ट नहीं संभल रही और वो परिसर में सालों से चरस गांजा नशा बिक रहा है तो वहाँ परिसर में आप क्यों बैठे भाई 35 साल से वहाँ बैठे? रिज़ाइन कर दो। वहाँ ज़िम्मेदार नागरिक जो वहाँ के लोग, लोकल लोग हैं, वो चलाएंगे वहाँ पे, वो संभालेंगे वो परिसर में। अगर नशा ज़्यादा पहले से बिक रहा है नहीं बिकने देंगे, आप कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से हमारे मुमरा कौसा का नाम भी दुखा कर, नाम भी ख़राब कर रहे और जो उनको मानते, जो दरगाह को मानते हैं, जो हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह को मानते हैं, उन कई लोगों की भावना जुड़ी, उनके लिए तो सीधा सीधा उनका दिल दुखा रहे आप, तो उनके लिए हमने ये कहा कि ऐसे ज़िम्मेदार नागरिक होने के बाद इतनी छोटी बात की, इतनी घटिया बात करी, इसी की शिकायत हम मुमरा में। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ क्राइम नहीं होता, अमेरिका से लेके इंडिया तक आप किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं बोल सकते और ख़ास तौर से दरगाह, मंदिर, मस्जिद का नाम नहीं बोल सकते। ऐसी एक भी जगह बताओ पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पे क्राइम नहीं होता, जहाँ नशा नहीं मिलता, एक जगह, एक सिटी, एक स्टेट, एक शहर, मैं आपको सराहना करूँगा। ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी जगह पे, हर जगह पे कुछ होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक धार्मिक जगह का नाम देना ये गलत है। और ज़िम्मेदार लोग जो ख़ास तौर से उसी ट्रस्ट को चलाते, 35 साल से 30 साल से उस पर राजमान बैठे, चुनाव नहीं कराते और उसके बावजूद उस एरिया में बोलना कि पहले उसे वहाँ चरस गांजा बिकता था और आज बढ़ गया है, तो क्या आप सो रहे? आप सो रहे क्या? आपने नींद बिस्तर और के चद्दर ओढ़ लिया है और वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या कर रहे? आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते? आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के CP के पास नहीं जा सकते? आप CM के पास नहीं जा सकते? मुझे शर्म आती है इस बात का बोलते हुए कि आप एक मेयर थे और आपके कार्यकाल में वहाँ पर चरस गांजा बिक रहा है और आप बोल रहे हैं कि पहले वहाँ पर चरस गांजा बिकता था, तो आपने किया क्या? वो लाल बत्ती खाली ऐसे ही लगा के रखे थे कि शो के नहीं है, मुमरा के लोगों का विकास नहीं कर पाए? तो मेरी शिकायत इसी बात को है कि आप एक ज़िम्मेदार हो के, आप राज्य मंत्री का दर्जा आपके पास, राज्य मंत्री का दर्जा और आप मेयर रहने के बावजूद आप बोलते हैं कि वहाँ पर नशा बिकता था,
तो बड़ी शर्म की बात है। मतलब इससे साबित होता है कि एक अपाहिज राजनीतिक आप करते थे और एक अपाहिज हैंडीकैप मेयर और हैंडीकैप राज्य मंत्री थे। आप अमृतनगर के टाइम्स ऑफ इंडिया, DNA और सभी मीडिया के माध्यम से मैंने वहाँ पे लोगों को मुंह काला करके घुमाया हूँ, मुंह काला करके। मेरे पास आज भी पुरावा है, बड़े बड़े पेपर और लोकल हमारे जितने पेपर है उनके लगातार पेपर है, हमने मुंह काला करके घुमाया है। जो नशा बेचते थे, जो नशा करते थे, चाहे फिर वो कोई भी लोग हो, किसी पार्टी के हो, किसी से संबंधित लगते हो, किसी धर्म के हो, उससे हमारा संबंध नहीं है। लेकिन नशा करने वाले वो दुश्मन है समाज के और हमारे दुश्मन है, इसीलिए दुश्मन है। के बोलने की वजह ये हो सकती है कि वो आपका वार्ड आता है। नहीं नहीं, मैं देखिए, उनके बोलने की वजह अगर मेरे वार्ड का आता है तो वो वार्ड उनके बेटे का भी आता है। तो सबसे पहले वो अपने बेटे से पूछे घर में सुबह उठ के कि क्या कर रहे हो बेटा, वहाँ पे आपके नगर से हो गए, वहाँ पे आपके इधर नशा भी कर रहे हो और आप घर में बैठे हो। तो मेरे ऐसे उनसे मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बेटे को सुबह वहाँ पे बैठाए 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कि नशा ना हो। कि नईम खान जी ने जो कल प्रहार टाइम्स के माध्यम से जो उन्होंने कुछ अल्फाज यूज़ किए, कल उन्होंने जो दरगाह के ताल्लुक से, फखरुद्दीन साहब बाबा के दरगाह के ताल्लुक से कल उन्होंने जो जुमला यूज़ किया, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं उनसे ये उम्मीद, मैं नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ, शहर के उलमा, सामाजिक लोग इस बात की निंदा करते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ नईम खान जी से, आप कहते हैं कि मैंने मुमरा का विकास किया, सवाल नंबर 1, क्या विकास किया? यही विकास किया कि आप कहते हो कि 2009 से जब से आवाड़ साहब आए, जब से यहाँ चरस और गांजा बिकता है। अगरचे ऐसा कुछ आपको दिखा, तो फिर मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या बिस्तर पे थे, या आपको आज इलेक्शन लड़ने का आपके पास जहन में आई तो आप जाग गए? कल ये नौजवान बच्चे आपको नहीं दिख रहे थे? हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, हजरत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब की क़यादत में तकरीबन 5 या 6 साल हुआ होगा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा, मैं शानू पठान और हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाओं ने, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रग्स फ्री मुमरा करके एक मुहिम चलाई थी, जिसमें तकरीबन 10,000 का क्राउड था। और वो एक मैसेज था हजरत मोइन मियां अशरफ साहब का कि अपने बच्चों को हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं कि नहीं जाते हैं उस पर गौर करना चाहिए, हमारे बच्चे कहीं जा कर के कोई नशा की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इस तरीके का हम लोगों ने मुहिम चलाई थी। आप कहाँ थे नईम खान जी? आपको उस वक्त शहर की फिक्र नहीं थी? आप उस वक्त शहर के एक्स मेयर नहीं थे? आप उस वक्त शहर के लीडर नहीं थे? आप तो नहीं आए थे उस रैली में? क्यों नहीं आए थे, मेरा सवाल है आपसे। अगर हो सके इसका जवाब देना, मैं इंतज़ार करूँगा। सेकेंड बात, आज तमाम उलमाए कराम भाई साहब, हमारे नगर सेवक शानू पठान, हम लोग तमाम लोग आए थे। हमारा यही कहना है, जिस पे हम लोगों ने एक लेटर दिया है, मैं आपके माध्यम से वो लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर दिया गया है जिसमें तकरीबन हमारे नगर सेवकों का, नगर सेविकाओं का, तमाम और शहर के धर्मगुरु का, सैयद अली अशरफ भाई साहब का, इस पे सिग्नेचर्स है। हमारी मांग ये है कि नईम खान जी ने जो कल जुमला यूज़ किया दरगाह के ताल्लुक से, दरगाह पे इबादत होती है, दरगाह पे ज़ियारत होती है, वहाँ पे तमाम दरगाह को मानने वाले लोग जा कर के वहाँ ज़ियारत करते हैं, ऐसी पाक जगह के बारे में ये अल्फाज यूज़ करना, ये बात काबिले बर्दाश्त है। और शहर के एक एक उलमा की, शहर के एक एक NGOs की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये मांग है कि ऐसे जो अल्फाज हैं इनके, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। इस तरीके की मांग हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में यहाँ के मधुकर कर साहब से की है, और कुछ उलमाए कराम कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे इस ताल्लुक से। क्योंकि मैं अगर कहूँ कि कब जाएंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं कह नहीं सकता। उलमाओं की एक अलग मीटिंग चल रही है, कुल जमात के उलमा बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, इस पर भी एक डेलीगेशन जाएगा मुलाकात करने CB साहब तक। जिस शहर को आपने कहा कि मैं जब मेयर था तो मैंने इसको बसाया, तो आज उसी पुलिस स्टेशन, आज उसी शहर के बारे में आप झूठी बातें कह करके, पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के बारे में, पॉलिटिकल सोच के रख करके आप इस शहर को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। क्या क्या तरक्की दिया आपने शहर को? यही तरक्की दिया? अरे मैं कहता हूँ
मेरा आपसे एक बात कहना है कि अगर आपको कहीं कोई चीज़, मैं अभी शानू भाई ने कहा कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे ये सब चीज़ें नहीं होती होंगी, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हज़रत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहां के जो भी डीसीपी साहब थे, एसीपी साहब थे, मुमरा के इंचार्ज थे या हैं, कि आज डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट रहा है, डिपार्टमेंट के इंटरफेरेंस से आज मुमरा कौसा के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन 90% ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, लड़ाई अगर आपको लड़ना है तो आपका वेलकम है। हम लोग ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं या हम लोग शहर के एक सामाजिक हैं, हम आपके स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर लड़ाई लड़ना है तो आप आइए स्टेज पर, आइए आप लड़िए सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो भी देख लिया जाएगा, लेकिन शहर को बदनाम मत करो। एक बात उनसे ज़रूर सवाल है कि पुलिस रिकॉर्ड ये कहती है, डिपार्टमेंट ये कहता है नशा कम हो रहा है, डीसीपी एसीपी सीनियर अब तक के जो आए उनके अनुमान के हिसाब से तो नशे में रेड कर रहे, नशे में जो कारोबारी है उनमें गिरावट आई है। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि यार डिपार्टमेंट से आपने पूछा क्या, आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि नशा बढ़ा है कि कम है, तो आप किस बेस पे कर रहे हैं? मुझे ये बात का खुलासा भी होना चाहिए और ये डिपार्टमेंट से पूछना भी चाहिए उनको। एक शहर के जिम्मेदार, एक नागरिक होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, एक्स महापौर, एक्स मिनिस्टर होने के नाते, उनको अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा कि डिपार्टमेंट बोलता है नशा कम हो रहा है, नशे वालों को हम पकड़ रहे, दूसरी तरफ ये बोलते हैं नशा बढ़ रहा है। तो कौन सही कौन गलत बोल रहा है, दोनों का खुलासा होना ज़रूरी है। और एक बात हुसैन भाई, कल उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था प्रहार टाइम्स के माध्यम से, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कल उन्होंने कहा था कि शमीम खान या पांच पांडों का वर्ड यूज़ किया था। हाँ, मैं जितेंद्र अवार का सिपाही हूँ, था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं जिसके साथ रहता हूँ साथ में वफादारी के रहता हूँ। लेकिन आपने ये कल ये जुमला कहा था कि मेरा शमीम खान से सवाल है कि वो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने योगी के ख़िलाफ़ कितना आंदोलन किया। नईम खान जी, आप एक्स महापौर रह चुके हैं, आप मुमरा कौसा के कहते हैं आपकी बड़े सीनियर लीडर हैं, तो आपको बता दूं मैं कि आज जो मुमरा कौसा और महाराष्ट्र में हम लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई उत्तर भारत समाज के लिए भी होती है। हमारी लड़ाई अगर आपको हम बताएंगे तो आपके माध्यम से, तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने उत्तर प्रदेश में, वो चाहे अखिलेश जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, अगर छे कहीं कोई काम नहीं हुआ है या हमें लगा है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सिद्धार्थनगर से, मैंने वहाँ पे अब तक 11 आंदोलन किया है, और ज़रूरत रहे तो मार करके आरटीआई उसको निकाल लेना कि शमीम खान ने 11 आंदोलन किया है। लेकिन सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप भोपाल के रहने वाले हैं सर, आपने वहाँ कितना आंदोलन किया? भोपाल के अंदर भी बहुत सारे मामले हुए, आपने कितना आंदोलन किया? आपके बेटे जिस वार्ड के नगर सेवक हैं हमारी पार्टी से, उन्होंने कितना आंदोलन किया, उन्होंने कितना एहतजाज किया? पहले अपने आप को हमें देखना चाहिए, उसके बाद किसी पे उंगली उठाना चाहिए।